लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डायरेक्टर रमेश सिप्पी 71 साल के हो गए हैं। 23 जनवरी 1947 को कराची, ब्रिटिश इंडिया में जन्मे सिप्पी को उनकी फिल्म शोले के लिए खास कर जाना जाता है, जो 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। आज के दौर में यह फिल्म हर 2-3 दिन में किसी न किसी टीवी चैनल पर चलती देखी जा सकती है। फिल्म में दोस्ती, रोमांस, एक्शन और ट्रेजिडी सब कुछ डाला गया है, लेकिन डायरेक्टर की हल्की सी चूक के कारण फिल्म में कई फनी मिस्टेक्स भी देखने को मिलती हैं। फिल्म के मुताबिक रामगढ़ में बिजली नहीं थी। ठाकुर की बहू का लालटेन जलाना इसी बात का सबूत था, लेकिन बसंती को पाने के लिए वीरू जिस टंकी पर चढ़ता है उसमें पानी कैसे पहुंचता होगा और ठाकुर की हवेली के बाहर इलेक्ट्रिक नाइट लैंप क्यों लगाए गए थे। जब गब्बर 3 डाकुओं को गोली मारता है तो वे उसके ठीक सामने की ओर मुंह करके खड़े होते हैं, लेकिन अगले सीन में दिखाई देता है कि एक डाकू की पीठ और दूसरे के माथे पर गोली लगी है। क्या गोली चक्कर लगाकर डाकू के शरीर में धंसी,